हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 444। आज की वीडियो जो है वो अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए होने वाली है। तो अक्वेरियस, इसमें हम देखेंगे अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या स्टेप लेंगे। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही व्हाट्सएप पे आइएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, इस टाइम पे आपके पार्टनर की आपको लेके क्या एनर्जी है। इसमें हम दो तरह से निकालेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो एक्चुअली दिल से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ऊपर से प्रिटेंड क्या कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस पार्टनर को ध्यान में रख के ये देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस टाइम पे उनके बारे में दिल से क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। बहुत ही अच्छी सोच है। दूसरा कार्ड निकालते हैं, एक्चुअल आपके पार्टनर आपको शो क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको इस समाज के सामने, एक्चुअल आपके पार्टनर क्या हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, दोनों ही तरीके से आपके पार्टनर सही सोच रहे हैं, बट हाँ ये बात सही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, बट आपके पार्टनर जो है सामाजिक तौर से भी इस रिश्ते को अच्छा दिखा रहे हैं, और हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या जो आपके जानने वाले लोग हैं या आपको वो यही कह रहे हों कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, मैं मत तोड़ो इस रिश्ते को, मैं इस रिश्ते में रहना चाहता हूं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई वर्क इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो कह रहे होंगे, फैमिली का इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए कह रहे होंगे। एक नई उम्मीद आपके पार्टनर आपको जगा रहे होंगे और दिल से भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। दिल से एक रोमांटिक टाइम, एक प्यार भरा टाइम, एक अपनापन, वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट मैं ये कह दूं कि ये चीजें एक्शन में आए तो बड़ी बात है, उनके दिल में और दिमाग में जो चीज थी वो सामने आ गई है और वो बहुत खूबसूरत है। एक्वेरियस, अगर आप ये देखिए, एक्वेरियस का ही कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है, द स्टार का एक्वेरियस को ही इंडिकेट करता है। एक्वेरियस, हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि कितनी बार एनर्जी वाइस वर्सा भी हो जाती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो सामने आती है, बट हमने आपके पार्टनर का निकाला है तो दिल से भी वो आपके लिए अच्छे हैं। एक इमोशन बना हुआ है आपको लेके, प्यार की फीलिंग है, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो, वो भी अपने मतलब अपने आप को भी वो ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो मैं इससे प्यार करता हूँ, ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही प्यार भरा है और ये नहीं जाना चाहिए। एक प्यार की एनर्जी एक्वेरियस आपके पार्टनर की है। अब देखते हैं, अगर आप ये मानते हो कि थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, तो आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर, कुंभ राशि वालों के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी के लिए दिल से क्या सोचते हैं और एक्चुअल क्या प्रिटेंड करते हैं लोगों के सामने। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस थर्ड पार्टी के लिए लोगों के सामने क्या शो करते हैं। ये देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं घर से बाहर कोई रिश्ता हो सकता है उनका। आपके पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी हमेशा नहीं है कि कोई पर्सन है, सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी एक मैच्योर बंदे की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर मैच्योर हो या आप मैच्योर, मतलब थर्ड पार्टी मैच्योर हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि ऊपर से वो बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में उनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से आपको पॉजिटिव अप्रोच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ऊपर से बता भी रहे हैं कि ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो गया है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। अंदर ही अंदर चाहते हैं कि चीजें जो हैं सही हो जाएं, बट एक नॉर्मल रिलेशनशिप, एक खुशी वाला रिलेशनशिप वो थर्ड पार्टी के साथ में इस टाइम पे मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल की भी फीलिंग देखी जाती है, एक्चुअल दिल से क्या सोच रहे हैं और सामाजिक क्या दिखा रहे हैं। दिखा जैसा रहे हैं दिल से उतना बुरा तो नहीं है, लेकिन चाहते हैं वो कि चीजें ठीक हो जाएं। कुछ ना कुछ दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो ऑफ कोर्स हैं। ऑफर करना चाहते हैं प्यार भरा कप, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। चीटिंग भी हो सकती है इसमें, किसी के साथ में ईर्ष्या भावना भी हो सकती है। एक मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है, एक सिंगल मैच्योर बंदे की। ये उनकी मदर की भी एनर्जी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फादर की एनर्जी हो सकती है। कोई मैच्योर बंदा है जो आगे चीजें ऑफर करना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखेंगे कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या स्टेप उठा सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर क्या स्टेप उठाएंगे आगे। जस्टिस का कार्ड है, जो भी होगा सही होगा। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्टकनेस भी है। जो चीजें आप लोगों के बीच में गलत थी उसको दोबारा रिपीट मत करिएगा, ठीक है। अगर आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ता है तो उसमें गलत चीजों को रिपीट मत करिएगा। जस्टिस का कार्ड है, अफकोर्स अगर आपने सही किया है तो सही होगा, गलत किया है तो गलत होगा। एक तरह से हो सकता है कुछ लोगों के मैटर में इलीगल इशू भी चल रहा हो, तो मैं ये बता दूं कि अगर आप सही हैं तो फैसला आपके हक में जरूर जाएगा, नहीं है तो आपको ट्रबल हो सकती है। आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट आपसे जस्टिस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं। एक मामलों में ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ भी इस रिश्ते से नहीं मिला, तो एक ये सोच भी उनकी हो सकती है। नेक्स्ट तो ये करने वाले थे आपके पार्टनर, आपके पर्सन देखते हैं सडन कुछ दिन का आप लगा लीजिए कि 48 आवर्स लगा लीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आपके और आपके रिलेशनशिप के, आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट अचानक से क्या घटित हो सकता है। देखिए अभी फिलहाल तो प्रेशर ही रहेगा, जस्टिस का कार्ड भी आया है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो यही बताता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा जबरदस्त कंफ्यूजन है, किसी चीज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इधर जाएं या उधर वाले कंडीशन है। हो सकता है करियर की भी प्रॉब्लम हो, 10 ऑफ वेंड्स जो है वो आपके करियर को भी इंडिकेट करता है, बहुत सारी उनकी परेशानियां हों इस तरह का। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बेटर मेरे लिए हो सकता है इस रिश्ते में, तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफी प्रेशर में ये रिलेशनशिप जो है रहने वाला है। तो आप भी परिस्थितियों को एनालाइज कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में जो उनका रिलेशनशिप है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या फीलिंग होने वाली है आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्वेरियस के पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी के लिए वो प्रिटेंड कुछ करते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो चीजें जो है वो सही हो जाएं। थर्ड पार्टी आप देख लीजिए कि कोई पर्सन है या फैमिली है, तो उस हिसाब से ही ये रीडिंग जो है रेजोनेट करेगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग है वो बेटर है, मुझे लगता है कहीं कुछ घटित हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है फैमिली के लिए। अगर आपके पर्सन फैमिली पर्सन है, उनकी कोई फैमिली है, तो उनकी फैमिली में कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। थर्ड पर्सन यानी कि उनकी वाइफ के साथ या उनके हस्बैंड के साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली में एक ग्रोथ आ रही है, कोई अच्छी न्यूज मिल रही है, यानी कि टोटली थर्ड पार्टी के लिए एक सिचुएशन जो क्रिएट हो रखी है वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है नेक्स्ट 48 आवर्स में।
एक कार्ड निकालते हैं कि क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, यस और नो कार्ड होगा ये, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। क्या थर्ड पार्टी को एक्वेरियस के बारे में मालूम है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, यस और नो। क्या थर्ड पार्टी को एक्वेरियस के बारे में मालूम है, डिसीजन नॉट श्योर। मैं आपको ये बता दूं कि एक दिमाग में जैसे एक संशय सा बना होता है ना, जैसे शक होता है, शक है थर्ड पार्टी को, एक्चुअल आपके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। आई थिंक आपको कार्ड नजर नहीं आ रहे, इतना ज्यादा थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता है। थर्ड पार्टी आपके बारे में किसी भी तरीके के नतीजे में नहीं पहुंच रही है, तो यहां मैं इस चीज को ना से ही लूंगी कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि वो जानना चाहती है, शक है, जैसे शक हो जाता है अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या मैरिड पर्सन अगर नहीं भी है आपका पार्टनर तो उसकी फैमिली को शक हो सकता है और वो किसी चीज को लेके कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि सही या गलत क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है। एक्वेरियस से एक छोटी सी रीडिंग होगी, क्वेश्चन आंसर वाली रीडिंग है ये। आप जिस पर्सन के साथ में सोच रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट वो पर्सन जो है आपके लिए क्या स्टेप उठाएगा। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पर्सन फ्यूचर में उनके लिए क्या स्टेप उठाएंगे। ओहो, शादी, सक्सेस, रीयूनियन। अगर आपका ब्रेकअप सेपरेशन की कंडीशन थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी और आपका क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टेप उठाएंगे, तो यहां मैं कह सकती हूं कि आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। थर्ड पर्सन हो सकता है कि फैमिली भी हो, करियर भी हो, उन्हें मनाना चाह रहे हो, अबंडेंस चाह रहे हो। थर्ड पर्सन अगर करियर है, थर्ड पार्टी अगर करियर है तो उनके करियर में इस टाइम पे बहुत ग्रोथ हो रही है, अच्छा हो जाएगा। और यहां जैसा कि स्टार्टिंग के ये कार्ड आए थे आपके, कि आपके पर्सन आपको दिल से कैसा पसंद करते हैं और आपके पर्सन लोगों के सामने कैसा प्रिटेंड कर रहे हैं, तो देखिए लास्ट का कार्ड क्या आ गया है। वो ये कहता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, वो फैमिली में आपकी बात करें, आपका रीयूनियन हो जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। कप का कार्ड है, डेफिनेटली इमोशन जो है काफी भर भर के आ रहे हैं। ये जो तीनों कार्ड है देखिए, और ये कार्ड भी अगर किसी मैच्योर पर्सन का है उनके घर से, तो देखिए पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको निग्लेक्ट करके अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तो आपको कभी भी उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। ब्लेसिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है ना। पेरेंट्स आपको जन्म देते हैं, आपका पालन पोषण करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दें। तो यहाँ पे कप के कार्ड जो आए हैं आपके लिए, यानी कि रिलेशन को इंडिकेट करते हैं, तो एक बेस्ट रिलेशन आपका आगे जाके हो सकता है। अगर आपकी किसी बात में मतभेद था तो ऑफकोर्स एक्वेरियस आपके पार्टनर आपको रीयूनियन करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही प्यारा, कुछ बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो एक छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आज जन्माष्टमी का पर्व है तो आप सब लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।